कुरिथियों के नाम पोलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय एक से सोलह अध्याय एक अभिवादन एक पॉलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थिनस की ओर से दो परमेश्वर की उस कलिसिया के नाम जो कुरिथुस में है अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं और उन सबके नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तीन हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे मसीह में आशीषें चार मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ पांच की उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए छह की मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली साथ यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो आठ वह तुम्हें तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो नाइन परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है कलिसिया में फूट दस है भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो ग्यारह क्योंकि ही मेरे भाइयों खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं बारह मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पोलुस का कोई अपोलोस का कोई कैफा का तो कोई मसीह का कहता है तेरा क्या मसीह बढ़ गया क्या पोलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पोलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला चौदह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिसपुस और गयूस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया पंद्रह कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला सोलह और हाँ मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया सत्रह क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है अठारह क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है उन्नीस क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा बीस कहाँ रहा ज्ञानवान कहाँ रहा शास्त्री कहाँ रहा इस संसार का विवादी क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया 21 क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे 22 यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। तेईस परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का, का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है चौबीस परंतु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी क्या यूनानी उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है पच्चीस क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है छब्बीस है भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए सत्ताईस परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे अट्ठाईस और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं, व्यर्थ है व्यर्थ ठहराए उनतीस था कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए तीस परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा इकतीसता की जैसा लिखा है वैसा ही हो जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे अध्याय दो क्रूसित मसीह के विषय संदेश एक है भाई जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया दो क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। तीन में निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा चार और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था पांच इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो परमेश्वर का ज्ञान छह फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं सात परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया आज जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते नाइन परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं दस परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गोर बातें भी जांचता है ग्यारह मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा बारह परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं तेरह जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं चौदह परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जाँच आत्मिक रीति से होती है पन्द्रह आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता सोलह क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए परंतु हम में मसीह का मन है अध्याय तीन कलिसिया में गुटबंदी की भर्तना एक है भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं दो मैंने तुम्हें दूध पिलाया अन्न न खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो तीन क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते चार क्योंकि जब एक कहता है मैं पोलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ तो क्या तुम मनुष्य नहीं पांच अपुल्लोस क्या है और पोलोस क्या है केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया जैसा हर एक को प्रभु ने दिया छह मैंने लगाया अपुल्लोस ने सींचा परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया साथ इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है आठ लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा नाइन क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो दस परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है ग्यारह क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वही यीशु मसीह कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता बारह यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तेरा तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है चौदह जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा पंद्रह यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा पर वह बच जाएगा परंतु जलते जलते सोलह क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है सत्रह यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो अठारह कोई अपने आप को धोखा न दे यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने की ज्ञानी हो जाए 19 क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है 20 और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं 21 इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है 22 क्या अपोलोस क्या अपोलोस क्या कैफा क्या जगत क्या जीवन क्या मरण क्या वर्तमान क्या भविष्य सब कुछ तुम्हारा है तेईस और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है अध्याय चार मसीह के प्रेरित एक मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे दो फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो तीन परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता चार क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है पाँच इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी छह हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना साथ क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया और जबकि तू दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया आठ तुम तो तृप्त हो चुके तुम धनी हो चुके तुमने हमारे बिना राज्य किया परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते नाइन मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं दस हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं ग्यारह हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं बारह और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं लोग हमें बुरा कहते हैं हम आशीष देते हैं वे सताते हैं हम सहते हैं तेरह वे बदनाम करते हैं हम विनती करते हैं हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं चेतावनी चौदह मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ पंद्रह क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने दस हजार भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ सोलह इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो सत्रह इसलिए मैंने तिमुथियूस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है वह तुम्हें मसीह में, में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलिसिया में उपदेश करता हूँ अठारह कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं उन्नीस परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा बीस क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है इक्कीस तुम क्या चाहते हो क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ अध्याय पांच कलिसिया में अनैतिकता एक यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है दो और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता परंतु घमंड करते हो तीन मैं तो शरीर के भाव से दूर था परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ चार की जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से पाँच शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए छः तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूँधे हुए आटे को खमीर कर देता है सात पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है आठ इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से परंतु सीधाए और सच्चाई की अखमीरी रोटी से नाइनमैन ने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना दस यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता ग्यारह पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना बारह क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते तेरा परंतु बाहरवालों का न्याय परमेश्वर करता है इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो अध्याय 6 मसीहियों में मुकदमेबाजी एक क्या तुम में से किसी को यह याव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए दो क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं तीन क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें चार यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलिसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं पांच मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके छह तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने सात परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो अन्याय क्यों नहीं सहते अपनी हानि क्यों नहीं सहते आठ परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो और वह भी भाइयों को नाइन क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे धोखा ना खाओ न बेशयागामी न मूर्ति पूजक ना परस्वीगामी न लुच्चे ना पुरुषगामी दस न चोर न लोभी न पियक्कड़ न गाली देने वाले न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे ग्यारह और तुम में से कितने ऐसे ही थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे देह परमेश्वर की महिमा के लिए बारह सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँगा तेरा भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है चौदह परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा पंद्रह क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं सोलह क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे सत्रह और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है अठारह व्यभिचार से बचे रहो जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है उन्नीस क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो बीस क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो अध्याय सात विवाह से संबंधित प्रश्न एक उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए दो परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो तीन पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का चार पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है पांच तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे छह परंतु मैं जो ये कहता हूं वह अनुमति है न कि आज्ञा साथ में ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हों परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का आठ परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ नाइन परंतु यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है दस जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो ग्यारह और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े बारह दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े तेरा जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े चौदह क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं पंद्रह परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं परमेश्वर ने हमें मिल मिलाप के लिए बुलाया है सोलह क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलो सत्रह जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ अठारह जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित ना बने जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए उन्नीस न खतना कुछ है और न खतना रहित परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है बीस हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे इक्कीस यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर बाईस क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है तेईस तुम दाम देकर मोल लिए गए हो मनुष्यों के दास ना बनो चौबीस है भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे अविवाहित और विधवाएं पच्चीस कुवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ छब्बीस मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे सत्ताईस यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर अट्ठाईस परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ उनतीस भाईओ मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हों मानो उनके पत्नी नहीं तीस और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते और मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ है ही नहीं इकतीस और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं बत्तीस अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे तैतीस परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे चौंतीस विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे पैंतीस मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ न कि तुम्हें फंसाने के लिए वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एकचित चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो छत्तीस यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो तो जैसा चाहे वैसा करे इसमें पाप नहीं वह उसका विवाह होने दे सैतीस परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता न हो वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा वह अच्छा करता है अड़तीस इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है उनतालीस जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है परंतु केवल प्रभु में चालीस परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है अध्याय आठ मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन एक अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है दो यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता तीन परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं पांच यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं छः तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं साथ पर सबको ये ज्ञान नहीं परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है आठ भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं नाइन परंतु सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए दस क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा ग्यारह इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा बारह इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो तेरह इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। अध्याय नौ प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य एक क्या मैं स्वतंत्र नहीं क्या मैं प्रेरित नहीं क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं दो यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो तीन जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है चार क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं पांच क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं छह या केवल मुझे और बर्नबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें सात कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता कौन भीड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता आठ क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ नाइन क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है दस या विशेष करके हमारे लिए कहता है हाँ हमारे लिए ही लिखा गया क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे ग्यारह अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे बारह जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट न हो तेरा क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं चौदह इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो पंद्रह परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखीं कि मेरे लिए ऐसा किया जाए क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए सोलह यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय सत्रह क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है अठारह तो मेरी कौन सी मजदूरी है ये कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। उन्नीस क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। बीस में यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं इक्कीस व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं बाईस में निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। तेईस में ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मसीही दौड़ चौबीस क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है तुम वैसे ही दौड़ो की जीतो पच्चीस हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं छब्बीस इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्य ही नहीं मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है सत्ताईस परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अध्याय दस इसराइल के इतिहास से चेतावनी एक है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए दो और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया तीन और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया चार और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था पांच परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए छह ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें सात और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे आठ और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में तेईस हजार मर गए नौ और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए दस और न तुम कुरकुराओ। जिस रीति से उनमें से कितने कुरकुराए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए ग्यारह परंतु ये सब बातें जो उन पर पढ़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं बारह इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पढ़े तेरह तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी चौदह इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो पंद्रह मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो सोलह वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं सत्रह इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं अठारह जो शरीर के भाव से इसराइली हैं उनको देखो क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं उन्नीस फिर मैं क्या कहता हूँ क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है बीस नहीं वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो इक्कीस तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते तुम प्रभु की मेज और आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते बाइस क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं क्या हम उससे शक्तिमान हैं सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं चौबीस कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे पच्चीस जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो छब्बीस क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है सत्ताईस यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो अट्ठाइस परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ उनतीस मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों पर की जाए तीस यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है इकतीस इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो बत्तीस तुम न यूनानियों न और न परमेश्वर की कलिसिया के लिए ठोकर के कारण बनो तैतीस जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए अध्याय ग्यारह एक तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ आराधना में सिर ढांकना दो हे भाई मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें है सौंपी हैं उनका पालन करते हो तीन परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है चार जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यद्वानी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है पांच परंतु जो स्त्री उघरे सिर प्रार्थना या भविष्यद्वाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है छह यदि स्त्री उड़नी न उड़े तो बाल भी कटा ले यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो उड़नी उड़े साथ हां पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है आठ क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है नौ और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिर्जा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिर्जी गई है दस इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे ग्यारह तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है बारह क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं तेरा तुम आप ही विचार करो क्या स्त्री को उघड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है चौदह क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है पंद्रह परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं सोलह परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलिसियाओं की ऐसी रीति है प्रभु भोज के विषय में सत्रह परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है अठारह क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलिसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ उन्नीस क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं बीसतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं इक्कीस क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है बाइस क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलिसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो मैं तुमसे क्या कहूँ क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ नहीं मैं प्रशंसा नहीं करता तेईस क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली चौबीस और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो पच्चीस इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो छब्बीस क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो सत्ताईस इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा अट्ठाइस इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए उनतीस क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है तीस इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए इकतीस यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते बत्तीस परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी तारना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें तैतीस इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो चौंतीस यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा अध्याय बारह आत्मिक वरदान एक है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो दो तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे तीन इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है चार वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है पांच और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है छह और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है सात किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है आठ क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें नाइन किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है दस फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यद्वाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना ग्यारह परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है देह एक अंग अनेक बारह क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं उसी प्रकार मसीह भी है तेरह क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया चौदह इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं पंद्रह यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं सोलह और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है सत्रह यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता अठारह परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है उन्नीस तो देह कहाँ होती 20 परंतु परंतु अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है इक्कीस आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं और न सिर्फ पाँवों से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं बाईस परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं तेईस और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं 24 फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले पच्चीस ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें छब्बीस इसलिए यदि एक अंग दू ख पाता है तो सब अंग उसके साथ दो ख पाते हैं और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं अंगस इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो 28 और परमेश्वर ने कलिसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं प्रथम प्रेरित दूसरे भविष्य वक्ता तीसरे शिक्षक फिर सामर्थ्य के काम करने वाले फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले उन्तीस क्या सब प्रेरित हैं क्या सब भविष्य वक्ता हैं क्या सब उपदेशक हैं क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं तीस क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं इकतीस क्या सब अनुवाद करते हैं तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ अध्याय तेरह प्रेम सबसे उत्तम मार्ग एक यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। दो और यदि मैं भविष्य कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं तीन यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं चार प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है प्रेम दाह नहीं करता प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं पांच वह हनरी नहीं चलता वह अपनी भलाई नहीं चाहता झुंझुलाता नहीं बुरा नहीं मानता छह कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है सात वह सब बातें सह लेता है सब बातों की प्रतीति करता है सब बातों की आशा रखता है सब बातों में धीरज धरता है आठ प्रेम कभी टलता नहीं भविष्यद्वाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी भाषाएं हो तो जाती रहेंगी ज्ञान हो तो मिट जाएगा नाइन क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यद्वाणी अधूरी दस परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा ग्यारह जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था बालकों का समान था बालकों की सी समझ थी परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी बारह अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ तेरह पर अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है अध्याय चौदह भविष्य और अन्य अन्य भाषाएं एक प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो विशेष करके ये ही भविष्यवाणी करो दो क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है तीन परंतु जो भविष्यद्वाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है चार जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है परंतु जो भविष्यद्वाणी करता है वह कलिसिया की उन्नति करता है पांच मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यद्वाणी करो क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलिसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यद्वाणी करने वाला उससे बढ़कर है छह इसलिए हे भाइयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यद्वाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा साथ इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फून या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा आठ और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा नाइन ऐसे ही तुम भी यदि जीब से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे दस जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी ग्यारह इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा बारह इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलिसिया की उन्नति हो तेरह इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके चौदह इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती पंद्रह अतः क्या करना चाहिए मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊंगा सोलह नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है सत्रह तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती अठारह मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ उन्नीस परंतु कलिसिया में अन्य भाषा में दस हजार बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से पांच ही बातें कहूँ बीस है भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूँगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं और भविष्यद्वानी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह हैं है अतः यदि कलिसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब, सब अन्य भाषाएं बोलें और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे चौबीस परंतु यदि सब भविष्यद्वाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे पच्चीस और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है उपासना में अनुशासन छब्बीस इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए सत्ताईस यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे अट्ठाईस परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलिसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे उनतीस भविष्य में से दो या तीन बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें तीस परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए इकतीस क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। बत्तीस और भविष्य की आत्मा भविष्य के वश में है तैतीस क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है जैसा पवित्र लोगों की सब कलिसियाओं में है चौंतीस स्त्रियाँ कलिसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है जैसा व्यवस्था में लिखा भी है पैंतीस यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें क्योंकि स्त्री का कलिसिया में बातें करना लज्जा की बात है छत्तीस क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है सैतीस यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्य या या जान समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं अड़तीस परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो उनतालीस हे भाइयों, भविष्यद्वाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो चालीस पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए अध्याय पंद्रह मसीह का पुनरुत्थान एक है भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ सुना चुका हूँ जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तो विश्वास करना व्यर्थ हुआ तीन इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया चार और गाढ़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा पांच और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया छह फिर वह पांच सौ से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए सात फिर वह याकूब को दिखाई दिया तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया आठ सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं नाइन क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं वरण प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलिसिया को सताया था दस परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था ग्यारह इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया हमारा पुनरुत्थान बारह इसलिए जब कि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हो में से जी उठा तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तेरह यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा चौदह और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है पंद्रह वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते सोलह और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा सत्रह और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो अठारह वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए उन्नीस यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं बीस परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ इक्कीस क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया बाईस और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे तेईस परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह फिर मसीह के आने पर उसके लोग चौबीस इसके बाद अंत होगा उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा पच्चीस क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है छब्बीस सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है सत्ताईस क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा अट्ठाईस और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो उन्तीस नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं तीस और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं इक्तीस है भाइयों मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ बत्तीस यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे तैंतीस धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है चौंतीस धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ पुनरुत्थान की देह पैंतीस अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं छत्तीस है निर्बुधि जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता सैंतीस और जो तू बोता है ये वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है परंतु निरा दाना है चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का अड़तीस परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह उनतालीस सब शरीर एक समान नहीं मनुष्यों का शरीर और है पशुओं का शरीर और है पक्षियों का शरीर और है मछलियों का शरीर और है चालीस स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और इकतालीस सूर्य का तेज और है चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है बयालीस मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है तैतालीस वह नादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है चौवालीस स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है पैतालीस ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना छियालीस परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था इसके बाद आत्मिक हुआ सैतालीस प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है अड़तालीस जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। मांस और, है और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है इक्यावन देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे बावन और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे तिरपन क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरनहार देह अमरता को पहन ले चावन और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरनहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा जय ने मृत्यु को निगल लिया पचपन हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा छप्पन मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है सत्तावन परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है अट्ठावन इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है अध्याय सोलह विश्वासियों के लिए दान एक अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो दो सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े तीन और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलिम पहुँचा दें चार यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे पौलुस की यात्रा का कार्यक्रम पांच में मकेदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे मकेदुनिया होकर जाना ही है छह परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा देना सात क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा आठ परंतु मैं पिंते इफिसुस में रहूंगा नौ क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं दस यदि आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है ग्यारह इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए क्योंकि मैं उसकी बात जो रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए बारह भाई अपुल्लो से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा अंतिम आदेश और अभिवादन तेरा जागते रहो विश्वास में स्थिर रहो पुरुषार्थ करो बलवंत हो चौदह जो कुछ करते हो प्रेम से करो पंद्रह हे भाइयो तुम स्टिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं सोलह इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है सत्रह मैं स्टिफनास और फूर्तुनातुस और अकुस के आने से आनंदित हूं क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है अठारह उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है इसलिए ऐसों को मानो उन्नीस आसिया की कलिसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलिसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार बीस सब भाइयों का तुमको नमस्कार पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो इक्कीस मुझ पोलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार बाईस यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो हे हमारे प्रभु आ तेईस प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे चौबीस मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे आमीन